आखिर किस बिग बॉस कंटेस्टेंट ने कंगना रनौत के लॉकअप 2 को ठोकर मारी है या फिर यू कह लो कि रिजेक्ट किया है। और यही नहीं बल्कि इनको तो ये भी ऑफर था कि आप इस सीजन के सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में से एक रहेंगे, लेकिन तब भी इन्होंने इस शो को एक हिसाब से ठोकर मारी है ये कहते हुए कि मुझे ऐसे शो बिल्कुल भी नहीं करने, मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने वेब सीरीज़ और अपने काम के साथ में। तो आखिर कौन से ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने ये सारी बातें बोली और लॉकअप को छोड़ दिया है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। लॉकअप सीजन 1 की पॉपुलैरिटी देखने के बाद भाई शायद ही ऐसा कोई होगा जो लॉकअप 2 के लिए इनकार करे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो लॉकअप 2 तक को भी इग्नोर कर रहे हैं ये कहते हुए कि यार कौन करेगा लॉकअप 2। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको कोई दूसरा काम है, वो लॉकअप 2 बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर लॉकअप सीजन 1 की आप पॉपुलैरिटी देखोगे, उसका क्रेज देखोगे, मतलब भाई ओटीटी पर आकर उस रियलिटी शो ने इतना ज़्यादा नाम कमा लिया कि अब सेकेंड सीजन जो है वो टीवी पर आने की बात चालू है, ऑन एयर आने की बात चालू है, वो भी जी टीवी या स्टार प्लस में से किसी एक चैनल पर आने की बात चल रही है इस समय कि यार इन दोनों में से कोई एक आए। और एक नाम इस समय जुड़ता हुआ दिख रहा है लिस्ट में, वो है एमटीवी का। लेकिन इन चीज़ों पर अभी तक कौन सा चैनल फाइनलाइज हुआ है, एक तमाम किस चैनल को कंफर्म करेंगी, इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। और अगर फिलहाल आपको बता दें तो लॉकअप के लिए बहुत सारे नाम जोड़े जा रहे थे, चाहे वो दिव्या अग्रवाल हो, चाहे वो बसीर अली हो, चाहे वो उमर रियाज हो, चाहे वो शिव ठाकरे हो, अर्चना गौतम हो, सौंदर्य शर्मा हो, इतने सारे नाम लॉकअप सीजन 2 के लिए कन्फर्म होने वाले थे, लेकिन इनमें से भाई बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया है। अभी तक अगर आप देखोगे तो दिव्या अग्रवाल ने एक वीडियो डालकर इस चीज़ को मना कर दिया कि वो लॉकअप 2 बिल्कुल भी नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ है उमर रियाज, जिन्होंने खुद स्टोरी डालकर इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया था कि मेरे फैंटम्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे, लेकिन उनको बता दूं कि मैं लॉकअप 2 नहीं कर रहा हूं। और वहीं बसीर अली ने अभी तक कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है, सौंदर्य शो को मना कर चुकी हैं, अर्चना मना कर चुकी हैं, शिव ठाकरे ने अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं है। और वहीं आपको बता दें तो हाल ही में बिग बॉस सीजन 13 के टॉप कंटेस्टेंट्स में से एक पारस छाबड़ा, उनको जो है बहुत ही बड़ा ऑफर आया था, उनको पारस छाबड़ा को ऑफर आया था कि वो लॉकअप में आए और सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट वही रहेंगी लॉकअप सीजन 2 के, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट किया है ये कहते हुए कि उनका वेब सीरीज का शूटिंग ऑलरेडी चल रहा है तो वो नहीं चाहते कि वो 2 से 3 महीने किसी रियलिटी शो में दें और उनका कोई मन भी नहीं है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है पारस छाबड़ा की, मतलब हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बन रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो वेब सीरीज आ रही हो बात सही है, लेकिन जनता तो यही कह रही है कि इनको ये ऑफर लेना चाहिए था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।